हम श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। वैवस्वत मनु जी ने बसाया था कौशल परदेश, पावन सरयू नदी का तट और खंड है भारत देश। कितने ही पराक्रमी राजा उनके वंशज थे, उन्हीं में से तो राजा दशरथ भी है एक हुए। वेदों के ज्ञाता थे राजा, धर्म के रक्षक थे, बड़े दयालु रण में कुशल और प्रजा पालक थे। ईश्वर की भक्ति करना उन्हें बड़ा ही भाता था, उनके राज में प्रजा को कोई कष्ट न आता था। जैसे राजा दशरथ थे वैसा सब चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। स्नान एक दिन राजा लगे देखने दर्पण, श्वेत बाल कुछ आए नजर कभी जो ये श्याम वर्ण। लगे सोचने राजा ढलने लगा मेरा यौवन, निःसंतान हूँ मैं ना जाने अब तक किस कारण। जो न हुई संतान कौन मेरा वंश चलाएगा, मेरा उत्तराधिकारी बन कर आएगा। इतना सोच के राजन ने विद्वान है बुलवाए, लगे पूछने राजा कौन सा यत्न किया जाए। पुत्रेष्ठि यज्ञ कर लो पंडित ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। गुरु वशिष्ठ को फिर तो दशरथ ने बुलवाया, अपने मन का सारा भेद फिर उनको बतलाया। गुरु वशिष्ठ भी हुए अति प्रसन्न, मनोकामना जा पुत्रेष्ठि यज्ञ करने का है किया विधि विधान। बड़ी मनोरम यज्ञशाला का फिर निर्माण कराया, श्याम वर्ण का एक घोड़ा भी गुरुजी ने मंगवाया। अपनी तीनों रानियों को राजन ने खबर सुनाई,
सुन कर के तीनों ही रानी मन में है हर्षाई। विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ फिर करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। विद्वान तपस्वी ऋषि मुनि गण कितने यज्ञ में आए, पवित्र मंत्रोच्चारण के संग यज्ञ रहे करवाए। सबके साथ में राजा ने है मधुर व्यवहार किया, यज्ञ में जितने ज्ञानी पधारे हैं आभार किया। ऋषियों के सानिध्य में जब यज्ञ हुआ संपन्न, भेंट किया राजन ने सबको बड़ा धान्य और धन। यज्ञ प्रसाद चढ़ा के राजन ने सब में बंटवाया, अपनी तीनों रानियों को भी है प्रसाद खिलाया। होंगे पुत्र चार उन्हें पंडित बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आई नौमी तिथि, गर्भ से कौशल्या के घड़ी ये राम जन्म की थी। श्याम वर्ण के पुत्र हुए हैं बड़े ही तेजस्वी, सुनकर बड़े ही हुए प्रसन्न राजा दशरथ जी। फिर तो रानी कैकेयी को भी एक पुत्र हुआ, रानी सुमित्रा ने भी दो पुत्रों को जन्म दिया। हर्षोल्लास में सारी नगरी कर रही मंगल गान, सबको ही राजा दशरथ ने दिया उचित है दान। नामकरण फिर पुत्रों का राजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। गुरुदेव ने बड़े पुत्र को रामचंद्र दिया नाम, भरत नाम देकर मंझले को कर दिया है शुभ काम। रानी सुमित्रा के पुत्रों की फिर बारी आई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रख कर है रीत निभाई। बीते समय के साथ में पुत्र होने लगे बड़े, तीनों लोक में चर्चे दशरथ पुत्रों के होने लगे। जान लिया ये भोलेने आ गए विष्णु के अवतार, बाल रूपी दर्शन करने का मन में है विचार। बन के मदारी भोले अयोध्या नगरी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके
जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। खेल दिखाने वो तो अयोध्या आन, श्री राम ने भी वानर का खेल देखना चाहा। राजा दशरथ ने है उनको महलों में बुलवाया, देखा खेल जो वानर का तो हुए बड़े प्रसन्न। भक्त और भगवान का देखो कैसे हुआ मिलन, श्री राम ने जिद करके वो वानर रखना चाहा। राम दर्शकों भोले ने ये सारा खेल दिखाया, कर दर्शन श्री राम के वो कैलाश को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। शिक्षा ग्रहण की बारी आई चारों भाइयों की, अल्प काल में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण कर ली। माता पिता और गुरु सेवा में बड़े बुलीन हुए, सीख लिए हैं पाठ सभी एक बार जो बता दिए। रामचंद्र बड़े भाई सारे ही कामों में निपुण, तीनों छोटे भाई करते उनका अनुसरण। चारों तरफ ही फैल गई फिर तो उनकी ख्याति, उनके विवाह की अब राजा दशरथ की इच्छा थी। गुरु वशिष्ठ को अपने मन की बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। लेकिन बीच में द्वारपाल संदेशा लाए हैं, विश्वामित्र राजन आपके द्वार पे आए हैं। सुनकर विश्वामित्र नाम बड़े दशरथ जी हर्षाए, आदर सहित उन्हें दरबार में लेकर हैं आए। बोले आपके दर्शन से है हम सब धन्य हुए, राज दरबार भी पावन आपके चरण छुए। आने का प्रयोजन मुनिवर अब तो आप बताएं, खुद को बिछा दूं मैं चरणों में अगर आप चाहें। विश्वामित्र राजन को फिर ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमर राम का नाम बन
जाते बिगड़े काम। बोले विश्वामित्र हे राजन, मुझको पता ये है, ऋषि मुनियों को रघुकुल करता आया सहायता है। जो मैं मांगने आया हूँ देना है बड़ा कठिन, मांगने से पहले राजन तुम्हें देना होगा वचन। बोले दशरथ हे मुनिवर, तुम मांगो निःसंकोच, प्राण जाए पर वचन न जाए है रघुकुल की सोच। बोले विश्वामित्र मुझे करना है यज्ञ अनुष्ठान, मारिच और सुबाहु दानों विघ्न करे है आन। यज्ञ हो पूर्ण इसीलिए हम राम को चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। राम को मांग लिया तो राजा दशरथ भी चकराए, बोले राम बिना हे मुनिवर मुझसे जिया ना जाए। चाहो तो मैं चलूं अभी ले करके सेना साथ, अभी राम तो है बालक ना इनकी कुछ औकात। कैसे मुकाबला उन दुष्टों का ये कर पाएंगे, में हारे जाएंगे। सुन के विश्वामित्र को ये आया है बड़ा ही क्रोध, बोले इनकी शक्ति का तुमको भी नहीं है बोध। राम लखन को अपने साथ फिर वो ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। ऋषि विश्वामित्र के संग आ गए हैं दोनों भाई, अति बला और बला नाम की विद्या भी पाई। बोले मुन की ये विद्याएं जो भी पाता है, इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष फिर वो कहलाता है। सरयू नदी के तट पर फिर डाला है डेरा आन, राम लखन से बोले कर लो तुम स्नान और ध्यान। करके फिर जलपान भी थोड़ा कर लेना विश्राम, लेकिन गुरु सेवा को समझा पहला उन्होंने काम। करके गुरु की सेवा फिर विश्राम को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम।
यूं टट आए। एक वनवासी मुनि देख उन्हें नौका है लाए। तीनों बैठे नौका में फिर कर ली नदियां पार। मुनिवर ने है प्रकट किया उनका ही बड़ा आभार। श्री राम ने देखा के घन घोर बड़ा है वन। गुरुवर जी से लगे पूछने वो इसका कारण। बोले ताड़ का नाम राक्षसी ने है कहर ढाया। जितने यहाँ मानो थे सबको मार के है खाया। कर दो वध तुम ताड़ का हम ये ही चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। स्त्री तो बड़ी होती है कोमल। ताड़ का राक्षस में है कहां से आया इतना बल। विश्वामित्र ने उनको फिर किस्सा सभी सुनाया। ऋषि मुनियों पे ताड़ का ने है कितना कहर बरपाया। करने को वध श्री राम फिर हो गए हैं तैयार। देख ताड़ का उनको आई करती चीख पुकार। श्री राम ने उन पे कर दी फिर तो वाण बरसा। देख युद्ध कौशल भैया का लखन रहे हर्षा। श्री राम फिर ताड़ का को पर लोक पठाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। विश्वामित्र बैठ गए हैं फिर तो यज्ञ करने। करना चाहा भंग थमारिच और सुबाहों ने। अपनी माया का दोनों ने ऐसा जाल फैलाया। यज्ञशाला पे है आकाश से मदिरा मास बरसाया। लेकिन श्री राम ने उनकी ना चलने दी चाल। राम के हाथों आया उन दोनों भाइयों का काल। राम लखन को विश्वामित्र फिर तो गले लगाए। बाल कांड ये डीएस पालन है श्रद्धा से गाए। फौजी सुरेश भी राम चरण में शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का।